ज़रई कवानीन पर एहतजाज खत्म कराने के लिए मोदी सरकार के ओछे हथकंडे जारी हैं। किसानों पर कोरोना फैलाने का इल्जाम लगा दिया। ज़रई कवानीन पर एहतजाज खत्म कराने के लिए मोदी सरकार के ओछे हथकंडे जारी हैं। किसानों पर कोरोना फैलाने का इल्ज़ाम लगा दिया। अमरीकी सेनेटर बॉब मेंड्स ने अमरीकी वजीर खारजा टोनी ब्लिंकन से किसानों का मामला भारत से उठाने का मुतालबा कर दिया। भारतीय किसानों के एहतजाज को आलमी पजीराई मिल रही है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद किसानों को रिहाई मिल गई। मुतहरिक नौजवान कारकुन रंजीत सिंह ने कहा है कि पहले दिन से एहतजाज में शामिल थे, मुतालबात की मंजूरी तक काश्तकारों के साथ रहेंगे। ज़रई कवानीन पर एहतजाज खत्म कराने के लिए मोदी सरकार ने ओछे हथकंडे अपनाते हुए एहतजाज में शरीक अफराद पर कोरोना फैलाने का इल्ज़ाम लगा दिया। मुत्तहिदा किसान मोर्चा के रहनुमा ने कहा कि तीन काले कवानीन की वापसी तक एहतजाज चलेगा। मुजाहरीन ने दिल्ली के इर्द गिर्द धरने जारी रखने के अज़्म का इजहार किया है।